हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग एमजीएन डेब्लिज ब्लॉग पे आपका स्वागत है दोस्त। और उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे दोस्त। अभी इस समय आप लोग को तो पता है गर्मियाँ कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई हैं और गर्मी में बाहर निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है। अभी आप लोग तो मालूम ही होगा और हमारे गाँव में तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है इस समय। और इस समय हम लोग मतलब जा रहे हैं सुबह में गेहूँ काटने के लिए। गेहूँ काटने के बाद ऐसा नहीं कि कम से कम 9 या 10 बजे को हम फिर वापस चले आ रहे हैं, क्योंकि साला इतना ज़्यादा धूप लगने लग रहा है ना कि यार वहाँ पे रुकना मुश्किल हो गया है। अभी इधर देखेंगे तो इतना ज़्यादा धूप है, कुछ दिख भी नहीं रहा होगा। ये थोड़ा सा दिखाते हैं आपको, देखिए इधर देखिए, मैं अपने छत पे हूँ और पूरा देख सकते थोड़ा अंधेरा जैसा दिखाई दे रहा है। और ये रही हमारी दादी, देखिए क्या बन रहे, क्या बना थे, रहीला हम रहीला हो। अभी पुरानी हो गई कम से कम, नहीं तो 80-90 साल हो गए उसके जुटा, पता नहीं कब मरे। मजाक कर रहे दोस्त, मरना तो कोई नहीं चाह रहा है कि जाए वो। पूरा कैसा दिखाई दे रहा है समझ में नहीं आ रहा है यार, अच्छा दिखना चाहिए। देखिए हमारे गांव का रोड है तो बाहर कैसा बन गया पड़ा हुआ है और इधर सारे खेत साफ हो गए। अभी दोस्त अब हम लोग जाने वाले हैं नदी की तरफ। और मेरा शाम को तो आप लोगों को तो पता है शाम को मेरा ड्यूटी रहता है और नाइट ड्यूटी में कर रहा हूँ उस टाइम, और इसी वजह से मैं अपनी वीडियो इतनी रेगुलरली नहीं दे पा रहा हूँ आप लोगों को, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ उधर। लेकिन बट आने वाले समय में रेगुलरली हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको पूरी वीडियो दिखाते जाए। अभी हम लोग जाएंगे जब ड्यूटी और उधर से आएंगे तब आपको वीडियो जरूर दिखाऊंगा। हमारे रोड गजब बन गए हैं, थोड़ा बिहार में प्रोग्रेस हो रहा है और रोडें अच्छी बन रही है। चलिए चलते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं हम। अभी दोस्तों हम लोग जा रहे हैं नदी की तरफ और देख सकते हैं पूरा इधर व्यू कैसा दिखा रहा है और इतना ज़्यादा हवा भी चल रहा है कि क्या ही मैं बताऊँ आप लोगों को। और अब धीरे धीरे जब से चार बज जाते हैं ना तो लोग अपने खेतों में जाने लगते हैं काम करने के लिए, और वहाँ पे जाने के बाद अपना काम करने के बाद कम से कम 6 या 7 बजे को सब लोग घर को चले आते हैं। इधर देख सकते हैं पूरा, और ये देखेंगे तो ये प्याज की खेती हुई है इधर, जो अब ज़्यादा नहीं 10-15-20 दिनों में वो भी आ जाएगी घर। और उसके बाद जानते हैं प्याज का सब, प्याज किस लिए आता है, मटन मुर्गा खाने में वो सब खाने में मज़ा आता है। और इधर भी देखेंगे इधर थोड़ी मोटी फसल भिंडी वंडी जो भी होता है ना वो बो लेते हैं अपन, क्योंकि आगे काम आता है उसके लिए। और दोस्तों आपसे ज़्यादा बात ना करते हुए, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग अपना ब्लॉग का विराम लेते हैं दोस्त, क्योंकि आज हमको पूरा मतलब ड्यूटी जाने का है। इसके लिए मतलब 5 बज रहे हैं, 5 बजने को तो हो जाता है 6-6:30 को निकल जाता है। यहाँ से कम 2-3 किलोमीटर हम लोग जाते हैं कंपनियों में काम करने के लिए। ये तो पता ही होगा आप लोगों को कि साला इधर काम मतलब कितना मुश्किलों के बाद मिलता है। कभी एक दिन काम आता है, कभी एक दिन नहीं आता है। और एक दिन की दिहाड़ी हम लोगों की कम से कम नहीं तो 330 रुपये देता है, जो 12 घंटे करते हैं हम लोग रात में, और रात में एक घंटे को भी सोने को नहीं देते वो लोग, फिर भी वो लोग काम करवाते हैं। मैं बोला ठीक है करवा लो चलो, जितना भी करवाना है मजबूरी में तो सबको ही करना ही पड़ता है। इसीलिए मतलब अपने गांव पे है, इसके लिए सोच रहे हैं कि इधर उधर बैठने से तो अच्छा है कि मतलब करते रहें। चलिए दोस्त, आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लेते हैं हम, अब अपने ब्लॉग को समाप्त करते हैं दोस्त। आपसे कल मिलते हैं हम, अब और कल मिलेंगे और अच्छी वीडियो और अच्छी ब्लॉग के साथ आप लोगों से मिलेंगे दोस्त। बाय बाय दोस्त, कल मिलते हैं, बाय बाय।